है, बहुत ही मतलब इमोशनल सा सीन चल रहा था क्या? हाँ, अब नैना चली गई है तो थोड़ा रोना आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है, बट ये फीलिंग अंदर से आ रही है मेरे लिए। तो आई एम मिसिंग हर मे बी, तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अब ऐसा पता लग गया कि नैना चली जाएगी, क्योंकि मेघना दी को एलर्जी के बारे में पता लग गया और नैना को ले गई है मेरी लाइफ से। तो देखते हैं अब। जैसे कहना कि दोस्ती भी हो गई थी, दिल जोड़ने का भी मौका हो ही रहा था, लेकिन अब दुनिया आ गई। अब वही शायद बुरा लग रहा है कि अच्छा अच्छा चल रहा था सब, नैना मेरे बीच में काफ़ी दोस्ती से हो गई थी, उससे आगे बात भी बढ़ गई थी आगे, बट एकदम से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो उसे उठा के मेरी लाइफ से ले ही जाएंगे। तो वो चीज़ काफ़ी एकदम से अब्रप्ट हुई और सडन एक शॉक मिला। तो हाँ, ये लेकिन होना ही था एक दिन, वो तो पता ही था। तो बस प्रिपेयर्ड था, बट लगा नहीं प्रिपरेशन ऐसी होगी मेरी। तो रोना आ ही रहा है। तो मेघना जब रूम में आती है तो करण का कुछ शरीर टूटते भी है, लेकिन हाँ, मैंने मेघना उम्मीद की थी कि नैना आएगी ब्रेकफास्ट लेके, बट भाभी आ गई। तो डिसअपॉइंटमेंट ही है, क्योंकि मैं नैना को ढूंढ भी रहा था बट वो मिली नहीं। तो मुझे लगा कि शायद अब नैना ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझसे दूर रहना, तो वो बात मुझे और खल रही है। नैना ने एक्सेप्ट किया या नहीं भी किया होगा, लेकिन क्या करण इस की जड़ तक जाएगा कि आखिर पता नहीं, मेरे को भी मन में अभी सेकंड डबल थॉट्स आ रहे हैं ना, कि मेरे को भी कभी वो लग रहा है कि नैना मान गई तो फिर मैं क्यों तंग करूँ। और बात सही भी है, मेरे वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मैं भी अपने आपको मना ही रहा हूँ कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है अभी। थैंक थैंक यू। यू।